अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। तो व्यूअर्स, अभी आप रेड रेडिश को देख रहे होंगे, ये एक महीने का हमारा रिज़ल्ट है। तो इनकी उम्र एक महीना हो गई है, तो अभी ये अच्छी खासी हमारी नीचे रेड रेडिश बनना शुरू हो गई है। अभी बाज़ प्लांट के नीचे तो अभी बनना शुरू हो रही है ये, और इधर भी हैं। तो ये एक महीने का रिज़ल्ट है। तो इनके लीव्स आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़े लीव्स हुए हैं हमारी जो रेड रेडिश के लीव्स हैं। तो अभी तक इनको मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाली रेड रेडिश को, ये बगैर फर्टिलाइज़र के हमारे इतना अच्छा रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। तो इनके लीव्स इसलिए बड़े हो रहे हैं क्योंकि इस जगह पर बड़े प्लांट लगे हुए थे ग्रीन चिल्ली के, तो वो इधर साया रहता था उनका, तो इसकी वजह से ये इनके लीव्स बड़े हो गए हैं। ये प्लांट सनलाइट हासिल करना चाहते थे, तो इसलिए इनकी हाइट बढ़ती गई है। तो अब मैंने सामने से इनको रिमूव कर दिया, ग्रीन चिली के प्लांट्स को, तो अब इनकी हाइट रुक गई है और नीचे रेड रेडिश बनना शुरू है। तो नीचे रेड रेडिश बनना शुरू हो गई है। तो इसी तरह हमने ट्रे के अंदर भी लगाई हुई हैं रेड रेडिश। तो ये हमारी ट्रे के अंदर लगी हुई हैं रेड रेडिश, तो अभी ये नीचे बन रही है। आप देख रहे होंगे कि इनके लीव्स अभी स्मॉल साइज के ही हैं और बिल्कुल छोटे छोटे लीव्स हैं, और नीचे रेड रेडिश बनना शुरू हो गई है। तो वो जो हमने पहले देखे थे उनके लीव्स बड़े हैं और उनका साइज़ रेड रेडिश का तकरीबन इतना है। तो हमारे रेड रेडिश का टाइम हो चुका है हार्वेस्ट करने का, तो जो भी हमारी रेड रेडिश बन चुकी है हम उसको हार्वेस्ट करेंगे। जब हम सीड्स को लगाते हैं मिट्टी के अंदर और जब हम इसको हार्वेस्ट करते हैं, तो तकरीबन इसे 50 से 60 डेज लगते हैं, तो ये हार्वेस्ट होने के काबिल हो जाती है हमारी रेड रेडिश, और इसी तरह ही वाइट रेडिश। और हम इनको काट कर भी देखेंगे कि अंदर से ये किस तरह की है। बाकी ये अभी लगी हुई हैं, अभी हम इनको हार्वेस्ट नहीं करेंगे, तो बाकी इनको हम काट कर देखते हैं और बीच में काट के इनको देखेंगे कि किस तरह की ये अंदर से है हमारी। तो चलें, चलते हैं किचन के अंदर और इनको काटते हैं। तो ये मैंने रेड रेडिश को काट दिया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो गलती हुई है, हम नोट कर रहे होंगे इसके अंदर, ये कलरफुल थी अंदर से भी, लेकिन हमने इनको लेट हार्वेस्ट किया है। तो तकरीबन हमें 10 दिन पहले इनको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए था। तो ये था हमारी रेड रेडिश का रिज़ल्ट। तो आप भी अपने घर में इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।